हेलो एवरीवन, ऑल गुड, कमेंट जरूर करना। आज एक मोस्ट इंटरेस्टिंग रोम का रिव्यू लेके आया हूँ, डिटेल शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर एक छोटा सा चेंज किया गया लेकिन ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालने वाला है अगर आप एस्ट्रोनोम यूज करते हो तो। और इस रोम का नाम है प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X2.9। जी हाँ, इसका कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था जो कि काफ़ी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है, कस्टमाइजेशन भी आपको भर भर के देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जो नया अपडेट है 2.9 का, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स यूज किया गया है जो कि आगे चल के बाकी के रोम में भी देखने को मिलेगा। आजकल गूगल कुछ ना कुछ कर रहा है और बार बार ब्लॉक कर देता है डिवाइस सर्टिफिकेशन वाली चीज़ों को, जिसकी वजह से हमें बैंकिंग ऐप वगैरह यूज करने में दिक्कत आती है। बट ये जो नया फीचर्स ऐड किया गया ना, इसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ना ही रूट करने की जरूरत है, ना ही पैचेज वगैरह डालने की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना है। बस सिंपल सा मेथड आपको फॉलो करना है, जिसके बाद आपका डिवाइस सर्टिफाइड हो जाएगा, सारे टिक आपके पास हो जाएंगे और बैंकिंग ऐप आप इजीली स्मूथली यूज कर पाओगे। इसके लिए बस इस रोम को आपको अपने फ़ोन के अंदर डालना है, इसके एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन पे जाना है, जहाँ पे आपको मिसलेनियस का ऐप मिलेगा, जिसके अंदर आपको स्पूफिंग देखने को मिलेगा। उसमें आपको बॉटम पे की बॉक्स लोड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और एक वर्किंग की बॉक्स को आपको वहां पे बस सिलेक्ट कर लेना है। अभी के टाइम पे तो ये की बॉक्स मैं आपको दे दूंगा जो कि वर्किंग है, बट इन फ्यूचर में भी ये बैन हो जाएगा तो आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और मुझे मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता रहूंगा, तो ज्वाइन कर लेना। तो जैसे आप इस की बॉक्स को लोड करते हो, आपका सारा काम यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। ना आपको रूट डालना है, ना ही पैच डालना है, ना ही एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करना है, बस की बॉक्स को लोड करना है और ना ही रिबूट करने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आप देखोगे आपका डिवाइस सर्टिफाइड हो चुका है सक्सेसफुली, तीनों टिक आपके पास दिखाई दे रहे हैं और बूट और लॉक का प्रूफ यहाँ पे आपको मिलता ही है, जिसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बैंकिंग ऐप वगैरह यूज करने में। और ये जो की बॉक्स का फीचर्स है ना, आगे चल के सभी में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो हमें एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करना पड़ता था उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। और ये एक बड़ा स्टेप है कस्टमर यूजर्स के लिए, और ये पर्सनली आप फील करोगे जब आप इसे यूज करोगे, क्योंकि पहले पता नहीं क्या क्या चीजें करनी पड़ती थी और मैंने आपको कई सारे वीडियो भी दिए थे इससे रिलेटेड, बट अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस लोड करो और गुड टू गो। लेकिन इस रोम में इसके अलावा बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलती है। स्पूफिंग से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा FPS मिल जाते हैं अनलॉक गेमिंग के लिए, फोटो स्टोरेज वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग का फीचर्स आपको मिल जाता है, क्लॉक के बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप क्लॉक लगा सकते हो जो कि आपको AOD पे भी दिखाई देगा, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। साथ साथ जैसे कि नथिंग हो, इसमें कई सारे शॉर्टकट आप अप्लाई करते हो लॉक स्क्रीन पे, वाले फीचर्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप एक ही सेटिंग का लुक देख देख के बोर हो गए हो, तो यहाँ पे अलग अलग लुक के भी ऑप्शन आपको मिलते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिफरेंट लुक आप सेट कर सकते हो अपने सेटिंग के लिए, जिसकी वजह से आपका है जो बार बार माइंड रिफ्रेश होगा और ऐसा लगेगा कि आपने कुछ नया डाला है, तो ये चीज़ भी आपको मिलती है। अगर आप इसे डालते हो तो यहाँ पे देखने को आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि ह्यूज कस्टमाइजेशन आपको प्रोवाइड करता है। और सिर्फ कस्टमाइजेशन ही नहीं, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस और जो बैटरी का रेशियो है वो काफी अच्छा मिलता है, यानी आप इसे जिस भी डिवाइस में डालोगे वहां पे टॉप नॉच आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, स्मूथनेस मिलेगा ही मिलेगा, बैटरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट इन फ्यूचर आपको कुछ एक्स्ट्रा बग नजर आते हैं तो आप इनके सपोर्टेड ग्रुप में जाकर रिपोर्ट कर सकते हो, ताकि उसके ऊपर काम करके इसे फिक्स किया जाए। बट अभी जितना भी मैंने चेक किया है, ओवरऑल मोस्टली सारे फीचर्स काम कर रहे हैं, बस छोटी मोटी इशूज मुझे इधर उधर देखने को मिली है जो कि मे बी अलग अलग डिवाइस में आपको देखने को ना मिले, इसलिए पर्सनली आप चेक कर लेना। मैं यूनिवर्सल डाउनलोड लिंक आपको दे दूंगा, जहां पे आपको जाके फाइंड करना है अपने डिवाइस का, मिलता है तो इंस्टॉल करो। रही बात इंस्टॉल कैसे करना है अपने डिवाइस के अंदर, तो सिंपल सा मेथड है, ADB साइड लोड के बारे में आपको पता ही होगा, सेम वही स्टेप आपको फॉलो करना है और आपके फोन के अंदर ये इजीली डल जाएगा। और हां, यहां पे इस अपडेट में ये जो की बॉक्स का फीचर्स है ना, ये आपको हर एक 2.9 के लेटेस्ट वर्जन में देखने को मिलेगा, ओल्ड वाले में ये चीज मिसिंग था, इसलिए दोबारा इसे अपडेट किया गया और उसमें ये फीचर्स ऐड किया गया है। तो एक बार आप चेक कर लेना कि आपको की बॉक्स का फीचर्स मिलता है या नहीं, और मिलता है तो भाई आपके काम बन जाएगा, बस लोड करना है और मजे कर लेना है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था जो कि बिग इंप्रूवमेंट लेके आता है आपके लाइफ में अगर आप कस्टमर यूजर्स हो तो। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी रेगुलर वीडियो आपको मिल सके। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।